नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आमना सामना होने जा रहा है इस समय, और आमना सामना किसी और का नहीं बल्कि आप लोग देखेंगे कि कितने आसान तरीका से आखिरकार करण और प्रीता का आमना सामना होने जा रहा है। क्योंकि जब प्रीता बताएगी कि आखिरकार मैं जिंदा हूँ, और प्रीता के साथ में सृष्टि आगे बोलती हुई नजर आने वाली है कि दी इन लूथरा की वजह से ही आज हम घर से बेघर हुए थे, लेकिन हम इन लूथराज को किसी भी सूरत में छोड़ने वालों में से नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों लूथराज को सज़ा मिलकर भी रहेगी, और सज़ा ऐसी मिलेगी कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा अपसेट भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कहानी में वाकई में एक दिलचस्प मोड आ चुका है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि इधर लूथराज बोलते हुए नज़र आने वाले हैं कि हमारा तो किसी भी तरीका से कोई फॉल्ट भी नहीं था, लेकिन अगर इन लोगों को लग रहा है कि हमारी गलती है तो हम अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस कहानी में और नया भाग क्या निकल कर आता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि लूथरा हाउस में सबसे ज़्यादा निधि इंजॉय कर रही है, और निधि का मानना ये है कि मैं इस परिवार को बर्बाद और बदनाम करने के लिए आई थी, बदनाम तो कर दिया है, अब बर्बाद होना बाकी है ये परिवार, लूथरा परिवार। जी हाँ, क्योंकि लूथरा परिवार से बहुत बड़ी दुश्मनी निकालती हुई नज़र आ रही है निधि। निधि का असली रूप किसी के सामने आ ही नहीं रहा है, लेकिन जल्दी ही निधि का असली रूप भी सामने आने वाला है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही प्रीता का जो बेटा है यानी राजवीर, उसकी जल्दी ही शादी का अनाउंसमेंट होने वाला है दोस्तों। वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि सीधा सीधा पलकी के साथ में। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए गाइस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।